વાઈ રહી છે 6 વાગ્યાને 4 મિનિટ જ્યારે લર્નિંગ થશે તેનું આયોજન છે તે ઠેર ઠેર કરવામાં આવ્યું છે. વાત કરીએ તો અમદાવાદની અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે પણ ખાસ આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે કે જે 6 વાગે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ દિવસ અમદાવાદ જ નહીં ફક્ત ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે આ જે ક્ષણ છે તે મહત્વની રહેશે. સાંજના 6 કલાક અને 4 મિનિટે આજે ચંદ્રયાન 3 છે તે ચંદ્રના ઉત્તર દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડ કરશે અને જે આ સોફ્ટ લેન્ડિંગ છે તેને કરવા માટે ઈસરોએ તનતોડ મહેનત કરી છે અને આખરે તેમની મહેનત રંગ લાવશે અને આજે સમગ્ર ભારત તેની રાહ જોઈને બેઠું છે. અને ખાસ કરીને જો આપણે ચંદ્રયાનની વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી એની તૈયારી ચાલતી હતી, કારણ કે ચંદ્રયાન પ્રથમ અને બીજા બાદ જ્યારે ચંદ્રયાન 3ની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે જે પણ ભૂતકાળમાં ભૂલો થઈ હતી તે ભૂલો ફરીથી ન થાય તેનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને તેના જ ભાગરૂપે આજે જે ચંદ્રયાન છે તે લોન્ચ થશે. અત્યારે હાલ એ પ્રકારની માહિતી મળી રહી છે કે જે ચંદ્રયાન 3નું લોન્ચિંગ છે તેનું અત્યારે હાલ આદેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે 2 કલાકની પહેલાં આદેશ કરવામાં આવતો હોય છે. આપણી સાથે સાહુ સર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. સર, શું માનો છો આજનો દિવસ ભારત માટે કેટલો મહત્વનો છે? आज चंद्रयान का 40th डे है जो सक्सेस का सबसे पीक में हम लोग हैं. अभी कुछ क्षण के अंदर में चंद्रमा का जो लैंडर है रोवर है वो चंद्रमा का साउथ पोल में पहली बार चंद्र प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी नया चीज़ वो डिस्कवर करेंगे, काफ़ी नया संदेश देंगे, काफ़ी नया एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक होप एंड फंडामेंटल्स देंगे जो कि हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च इसका ऊपर में डिपेंड करके नया मिशन उड़ाएंगे. तो इसी के सक्सेस के कारण में हमारा इंडिया सेल्फ रिलायंस बन जाएगा. इनके हमारा जो नौजवान है यंगर जनरेशन है इनके लिए एक कॉन्फिडेंट एंड इनका एक वे फॉरवर्ड मिल जाएगा. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो हमारा सपना है कि भारत आत्मनिर्भर होकर के एक सबसे लीड करेंगे इसके भी के लिए ये चंद्रयान का ये मिशन है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंड सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन एंड एग्जाम्पल रहेगा. सर, ये जो चंद्रयान का लॉन्चिंग हुआ उसके बाद जो ये लैंडिंग की जो प्रोसेस है कितने टाइम चलने वाली है और जो महत्वपूर्ण मिनट होती है वो कौन सी होती है? वो लैंडिंग से लॉन्चिंग से शुरू करके लैंडिंग तक हर क्षण हमारे पास चैलेंजिंग टाइम था, बट वो सारा को अब चैलेंजिंग को कन्वर्ट करके नाउ इट इज़ इन द पीक. अभी हमारे पास जो होगा कि अभी 1 घंटा का जो होगा इसमें भी आधा 25 मिनट तक जब 25 किलोमीटर से पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे तो तहाँ से हमारा चैलेंजिंग टाइम शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे इनका स्पीड भी ज़्यादा है. इनको हमको ऑर्बिट में इनका डायरेक्शन को चेंज करके जो हमारा ये रखना है जो जहाँ पे इनको सॉफ्ट लैंडिंग का जो हम लोग आइडेंटिफाई किया वहीं डायरेक्शन तक पहुँचाना है. एंड ये सब जो ऑपरेशन होता है 4 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास टेलीफोन लाइन नहीं कि नहीं होता है, वो सारा चीज़ वो पूरा डिटेल पूरा कम्युनिकेशन एंड इनका हमारा जो रोवर है इनका जो लैंडर है इनका जो सेंसर है इसका ऊपर में काम करते हैं. तो इसी के देखेंगे तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है. इनको टेरर टाइम बना जाता है, जैसे हमारा कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट ICU में होता है डॉक्टर का एक ही विश्वास होता है कि ये सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, कुछ भी हो सकता है. तो ये कुछ भी हो सकता है का मतलब होता है ये टेरर टाइम है, क्रिटिकल टाइम है. तो हमारा बट हमारा सारा जो परीक्षण होता है जरा टेस्ट होता है वी आर होपफुल दैट एवरीथिंग विल बी गो वेल एंड आवर चंद्रयान सही सलामत में सब लैंडिंग करके एक नया इतिहास क्रिएट करेंगे. सर, ये इतिहास बन जाएगा, भारत को कितना फ़ायदा होगा इससे? भारत को मैं जैसे बताया भारत अभी एक LIT स्पेस क्लब में एंटर होगा, जहाँ पे पहले 3 देश हैं, अभी 4th देश के कारण में ये होगा. नंबर 1 नंबर 2 होगा भारत प्रथम देश होगा जो चंद्रमा का साउथ पोल में लंच में सक्सेसफुल लंच करेगा. नंबर 3 होगा ये जो चंद्रयान का जो मिशन है ये भारत का इंडिजिनस मिशन है, यहीं से सब बना हुआ है, सारा पार्ट्स सारा टूल्स सारा टेक्निक सारा मेथोडोलॉजी एवरीथिंग. तो वहाँ पे किसी के ऊपर में हमारा डिपेंडेंसी नहीं है. तो ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल एंड मॉडल रहेगा. एंड इसके ये जो मिशन बनाया है वो सबसे कम खर्च में बनाया हुआ है, तो ये बिकम एक केस स्टडी सब दूसरा स्टेट के लिए दूसरा कंट्री के लिए, ताकि हमारा हमारी टेक्नोलॉजी हमारी कारीगर कौशल जो होता है इनको यूज करके इंडिया एक लीडर बन जाएगा. तो ये जो आत्मविश्वास बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा जो स्किल बढ़ेगा इसको लेकर ये ट्रांसफर होगा हमारा यंगर जनरेशन हमारा जो स्टार्टअप यूनिट है
एंटरप्रीनर्स हैं, एमएसएमई हैं, तो ये सेक्टर में अभी स्पेस के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएगा ताकि हमारा पूरा देश का सारा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का ये एक मुख्य सूत्रधार रहेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जे प्रकार थी चंद्रयान 3 छे तेमने लेने विशेष वातो आपनी साथे तेमना द्वारा करवामां आवी, कारण के इतिहास रचवा अत्यार हाल भारत जई रह्यो छे। फक्त हवे गणतरीनी मिनिटो बाकी छे, गणतरीनी मिनिटोमां हवे भारत जे छे ते इतिहास रचवा माटे सज्ज छे। जे प्रकार थी नरोत्तम साहूए वात करी के चंद्रयान 3 जो सफल लॉन्च थई जशे अने त्यारबाद ज्यां लेन्डिंग थई जशे अने तेनी जे फायदाओ छे ते घणा रहेशे, कारण के ज्यारे त्यां सफळतापूर्वक लॉन्चिंग बाद जे उतरण छे ते करवामां आवशे ने त्यारबाद खनिज तेमज जो त्यां जीवन शक्य छे के केम, आ तमाम बाबतोने लईने जे लेंडर छे तेना द्वारा तपास करवामां आवशे ने तेने लईने आ महत्वपूर्ण क्षण जे बनी रहेशे। सांजना 6:04 आ जे सपाटी पर उतरण करशे ने तेने जोवा माटे समग्र देश आतुर થાતી રાહ જોઈ રહ્યો છે। જી મિશન મોડ્યુલ સે અલગ કર દિયા ગયા, પુનઃ લેન્ડર મોડ્યુલ કે ઓર્બિટ કો दो ड्यू बूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25x130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस